तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार देश के मेरे जितने भी इंडियन आर्मी के बच्चे हैं। लगातार प्रश्न चल रहा है सर कि 10 फरवरी को फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल फॉर्म भरेंगे, बट इन सबके बीच एनसीसी वाले बच्चों का भी एक लगातार प्रश्न चल रहा है कि आखिर सर हमारे साथ क्या प्रक्रिया हैपन होने वाली है। और क्यों भी ना हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन होता है एनसीसी करने के बाद, वो हमेशा चाहते हैं कि सर हमें प्रिविलेज रखा जाए, हमारे लिए कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो आज के इस वीडियो में कुछ मिनट के अंदर आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। बच्चा सबसे पहली बात जो स्ट्रांगली ऐड करना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता है बेटा, जितने भी एनसीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं, चाहे ए वाले हों, बी वाले हों, सी वाले हों, ए वाले सर्टिफिकेट के जो बच्चे थे अच्छे से पता था कि उनको 5 मार्क्स का बोनस मिलता था। मान लीजिए कि आप 100 नंबर में 45 नंबर पाए हैं तो 5 नंबर जुड़ जाता था ए सर्टिफिकेट वालों का, जो कि कट ऑफ क्रैक करने में आपको मदद करता था बच्चा मेरिट में। सेकंड चीज, जो बी सर्टिफिकेट वाले थे उनको 10 मार्क्स का बोनस मिलता था, उनका भी जितना स्कोर उसमें 10 मार्क्स जुड़ जाते थे, कट ऑफ क्लियर करने में बच्चे उनको सहूलियत मिलती थी। जितने सी सर्टिफिकेट वाले हैं, ऑब्वियसली क्लर्क और टेक्निकल में स्पेशली उनको जो है 15 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाता था, जिससे कि उनका कट ऑफ क्लियर करने में कॉन्फिडेंट हो। हाँ, इस बीच लेकिन एक चीज़ थी कि जो जी डी और ट्रेड्समैन के बच्चे होते थे, उनका हमेशा से ये प्रश्न होता था कि सर हमें तो रिटर्न नहीं देना होता था, बट और साथ ही साथ जितना रिपब्लिक डे की परेड वाले पार्टिसिपेशन के बच्चे, उन्हें तो क्लर्क टेक्निकल और जीडी ट्रेड्समैन किसी का नहीं देना होता था। बट मैं अब कहना चाहता हूं बेटा कि जो इस बार फॉर्म होगा उसमें फॉर्मेट ये होगा कि नॉर्मल बच्चा भी जाएगा, एनसीसी वाला भी जाएगा, रिलेशन भर्ती वाला भी जाएगा, स्पोर्ट्स वाला भी जाएगा, ठीक है ना। सबके लिए नॉर्म्स अलग अलग होंगे, आप अपनी डिटेलिंग फिल करेंगे। हाँ, बोनस मार्क्स आएंगे, रिटर्न एग्जाम में बच्चा सबको बैठना है, चाहे सी सर्टिफिकेट होल्डर हों और चाहे रिपब्लिक डे की परेड वाले हों, क्योंकि जहां तक हमारा अनुमान है कि इस बार सी सर्टिफिकेट कैटेगरी से जो बच्चे हमारे होंगे जीडी ट्रेड्समैन के लिए, उनको अप टू 20 मार्क्स दिया जाएगा और जो रिपब्लिक डे परेड वाले हैं उनको अप टू 25 मार्क्स तक का जो है बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने एनसीसी किया है तो उसके फायदे नहीं बेटा, उसके फायदे हैं और उसके फायदे आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको फायदे फाइनल मेरिट में भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आप हमेशा प्रिविलेज रहेंगे, आपकी कैटेगरी हमेशा गुड कैटेगरी में काउंट की जाएगी। तो आप घबराइए मत बच्चा, इस समय आपको जम के प्रिपरेशन करने की जरूरत है। 10 फरवरी को फॉर्म आ रहा है, जम के फॉर्म अप्लाई करिए बच्चा, और फॉर्म अप्लाई करने के साथ बेटा तुरंत तैयारी में लग जाइए। फॉर्म के बाद नहीं, फॉर्म के पहले भी तैयारी में लग सकते हो। मेजर कल्सी क्लासेस ने जबरदस्त शुरुआत कर दी ऑफलाइन बैचेस की आपके लिए बच्चा, जिसमें आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनिए। बढ़िया बेटा रिटर्न की तैयारी होगी, प्रॉपर ऑनलाइन लैब है हमारे पास जो भारत में सबसे ऑर्गेनाइज्ड लैब है, सेम सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा, सेम सॉफ्टवेयर हमने एग्जीक्यूट किया टेस्टिंग सिस्टम के लिए आपका बच्चा, उसी फॉर्मेट पे ऑनलाइन देंगे तो अनुभव आपका अच्छा हो जाएगा बच्चा। फिर आपको साथ ही साथ प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग रियल ग्राउंड हमने बनाया बेटा आपके लिए, जहां आर्मी के इंस्ट्रक्टर आपको वेल ट्रेंड तरीके से ट्रेनिंग करेंगे और सुबह शाम दोनों अपना ग्राउंड है बेटा, बेहतरीन ग्राउंड है भारत का आप कह लीजिए, जिसका हिस्सा बन के आप बिल्कुल फिजिकली भी अप टू द मार्क होंगे। और मेडिकल के लिए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर तो है ही भारत का इकलौता सेंटर, जिसका हिस्सा बनकर के आप प्री मेडिकल का भी मेडिकल का भी टेंशन भूल ही जाइए पूरी तरह से। तो एक तरीके से मैं कहना चाहता हूँ देश के जितने भी हमारे एनसीसी एस्पिरेंट हैं बेटा, आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इससे डिमोरलाइज नहीं होंगे, बढ़ चढ़ के फॉर्म भरेंगे हमारे साथ, बेहतर तैयारी करके 100% रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे, फिजिकल डन करेंगे, मेडिकल डन करेंगे और फाइनली आपके इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का आपका सपना पूरा करेंगे। बाकी किसी भी तरह की क्वायरी के लिए, और बैच बुकिंग शुरू हो चुकी है, लिमिटेड सीट है, कॉन्टैक्ट करें 9696330033 पर बच्चा, और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696230033 पर। दोनों ही माध्यम से आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा एनसीसी वाले बच्चों, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे, मार्क्स भी आपको समझ में आ चुके हैं, सब बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए, हमारे साथ तैयारी करिए, कट ऑफ क्लियर करिए और फाइनली इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना पूरा करिए। और आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके आदेश पे आपके सामने। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।